सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ये ऐसा ड्रोन है जिसमें दो कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। ड्रोन का डिफेंस सेक्टर में बहुत यूटिलाइजेशन है। आपने सुना होगा कि बॉर्डर्स पे या सिक्योरिटी एरियाज में फिलहाल उसका इस्तेमाल सर्विलेंस और इंस्पेक्शन के लिए हो रहा है, ताकि हम घुसपैठियों को देख सके, और थर्मल इमेजिंग के तरीके से वो रात को भी इफेक्टिव होता है, और बहुत सारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टाइम में। इसकी विंग स्पैन 50 मीटर की होगी। इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर की होगी। इसका मुख्य काम जासूसी और निगरानी होगा। इन्फिनिटी में लगे सेंसर और रडार इसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ड्रोन के जरिए कम से कम वक्त में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें होती है, फर्स्ट एड किट्स हो गया, फूड सप्लाईज हो गया, आर्म्स हो गया, या कोई भी और चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट है डिफेंस के लिए और उसको दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना है, दूर दराज के बेस पे पहुंचाना है, उसका उस क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन के जरिए हम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल्स को पहुंचा सकते हैं। स्वार्मिंग टेक्नोलॉजी होती है जहां पे ड्रोन एक स्वार्म बेसिस पे मूव करता है और एक टारगेटेड अटैक्स कर सकता है, जहां पे सारे ड्रोन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, टारगेटेड अटैक्स में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे टेस्ट ट्रायल्स POCs हो चुके हैं इसमें। डिफेंस के क्षेत्र में बहुत सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया आगे बढ़ रहा है और इन टेक्नोलॉजीज को यूज करने की कोशिश कर रहा है। स्वार्म ड्रोन से न सिर्फ सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि जमीन पर सैनिकों की सहायता के लिए ये दुश्मनों की टोली पर हमला भी करेंगे। एक साथ बड़ी तादाद में होने की वजह से स्वार्म ड्रोन्स पर दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें बेअसर साबित होती हैं। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में सक्रिय एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा देने में सक्षम होते हैं। छोटे आकार के कारण रडार भी इन ड्रोन को पकड़ पाने में नाकाम साबित होते हैं। स्वार्म ड्रोन की नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को ही बदल देने की क्षमता रखती है। ये टेक्नोलॉजी नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना किसी इंसानी कॉन्टैक्ट से युद्ध में बेहद अहम साबित होगी। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में करीब 50 किलोमीटर तक उड़ सकता है, साथ ही 500 मीटर की दूरी से दुश्मन के क्षेत्र में निशाना साधने में सक्षम है। ऐसे ड्रोन मिसाइल या फिर बमों से लैस होते हैं। इस तरह के स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार को जाम करने के लिए भी किया जाता है। यही नहीं, स्वार्म ड्रोन दुश्मन के सामरिक ठिकानों पर सुसाइड हमला करने की ताकत रखते हैं। भारतीय सेना स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल कई तरह से करेगी। इनसे सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि एयर ड्रॉपिंग, खाना रसद, दवा, गोला बारूद या फिर सैनिकों के लिए जरूरी चीजों को पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। अलग अलग देशों के स्वार्म ड्रोन्स की स्पीड भी अलग अलग है। वैसे दावा किया जा रहा है कि भारत के स्वार्म ड्रोन्स की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। इनमें हाई पावर की बैटरी इसे कई घंटों तक बिना रुके उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए भारत ड्रोन की ऐसी फौज खड़ी कर रहा है जो निगरानी के साथ ही सुरक्षा भी करेगी। घातक ड्रोन की बदौलत अमेरिका ने अलकायदा और ISIS जैसे संगठनों को सबक सिखाया है। भारत भी अपने खिलाफ साजिश रचने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।